शिमला में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के विधायक, महापौर और व्यापार मंडल के साथ बैठक की। बैठक में 2014 की केंद्र की स्ट्रीट वेंडर नीति को लागू करने की चर्चा के अलावा चयनित जगह में जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में 1060 स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत हैं। इसके अलावा 540 लोग ऐसे ही बैठे हैं। इसमें कमेटी देखेगी कि नियमों के तहत कहां और किसको जगह देनी है। स्ट्रीट वेंडर सर्वे में त्रुटियां हैं जिन पर संज्ञान लिया गया है। स्ट्रीट वेंडर के लिए ब्लू लाइन तय की जाएगी, साथ ही स्ट्रीट वेंडर को फोटो के साथ अपनी पहचान दर्शानी होगी। ये सभी प्रक्रिया 30 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। आज हमने शिमला के जो हमारे व्यापार मंडल के साथी है और व्यापार मंडल के साथ साथ जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों के साथ एक सकारात्मक चर्चा शिमला शहर के लोगों के साथ करी है, जिसमें हमारे खास करके शिमला के जो माननीय विधायक है हरीश जनाठा जी, शिमला के मेयर है सुरेंद्र चौहान जी और कमिश्नर है और जो हमारे यूडी के सेक्रेटरी है और सभी अधिकारी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और पिछले काफ़ी समय से केवल शिमला शहर में ही नहीं मगर पूरे प्रदेश के अंदर जो तय बाजारी को लेकर मसला गरमाया हुआ था उसके संदर्भ में और वैसे भी हमने किस तरीके से स्ट्रीट वेंडिंग को रेगुलराइज करना है उसके मुतलक इस बैठक का आयोजन जो है वो आज किया गया है। आप जानते हैं कि और आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि इसमें मुख्य रूप से जो हमारा केंद्र सरकार का जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है 2014 का, उससे ये हमारे प्रदेश में भी इसके तहत वेंडिंग को जो है वो किया जाता है इस कानून के तहत। इसमें कुछ जो है संशोधन हमारे जो है प्रदेश सरकार के माध्यम से भी लाए गए हैं। जो HP स्ट्रीट वेंडिंग रूल्स है 2016 के कानून है वो एक्ट है, ये कानून है, ये रूल्स है, ये हमने प्रदेश सरकार की ओर से 2016 में इसको अमेंड किया है जिसमें स्ट्रीट वेंडिंग को कैसे कैसे पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे जो है खास करके म्यूनिसिपल कमिटीज़ के दायरे में इनको कैसे रखना है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें डेजिग्नेटेड तरीके से जो है आपके ब्लू लाइन ये लगाई जाएगी, आपकी येलो लाइन पार्किंग के लिए होती है वैसे ही ब्लू लाइन जो है वो लगाई जाएगी जगह जगह पे जहाँ पर भी वेंडिंग होगी और उन्हीं जगहों के ऊपर जो है वो आपको तय बाजारी के लिए परमिट जो है वो दिए जाएंगे। बकायदा उसमें आपका फोटो होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और हर 3 साल बाद इसको जो है वो कमेटी द्वारा रिव्यू किया जाएगा। वैसे तो इसके लिए एक आगे इसकी एक अपीलेट बॉडी भी बनाई गई है जहाँ पे अगर किसी को कोई इसमें शिकायत है, कोई समस्या है तो एक 3 सदस्यीय जो है एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी बनाई गई है। किस तरीके से हमने इसको रेगुलराइज करना है क्योंकि बहुत बारी ये मसला उठा था कि बाहर के लोग हिमाचल से के बाहर के लोगों को लोग यहाँ पे आते हैं और गैर हिमाचली हैं और यहाँ की सुरक्षा में महिलाओं के साथ सुरक्षा में या और चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। पिछले जो सारा मसला शिमला में भी उठा और इलाकों में भी उठा उस संदर्भ में हम इस पे कानून की सख्ती ला रहे हैं और जो है दिसंबर तक 30 दिसंबर तक की मैंने जो है वो कमिश्नर MC को डेडलाइन दी है कि इसकी सारी प्रक्रियाएं जो है वो 30 दिसंबर तक पूरी कर दी जाएगी, इसकी जोनिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसके जो लाइनिंग होनी है ब्लू लाइनिंग होनी है वो भी कम्प्लीट हो जाएगी और उन्हीं को ही जो नंबर इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं उन्हीं को ही उस जगहों पर बैठने की अनुमति दी जाएगी।